भारती सैनी, हिंदू कन्या महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको छाया नटराज के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स छाया नटराज का परिचय करेंगे। परिचय करने के बाद मैं इसकी आपको गत नोटेशन स्वरलिपि आपको लिखवाऊंगी। उसके बाद फिर हम इसको सितार पे प्ले करेंगे। सितार पर पहले हम इस गत को कंप्लीट करेंगे, स्थाई करेंगे और अंतरा। दो पार्ट होते हैं गत के, स्थाई और अंतरा, और उसके बाद फिर हम इसको तोड़े से एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम छाया नटराज का परिचय करेंगे। छाया नटराज का परिचय, इसमें थाट हमारा है कल्याण, वादी स्वर है रे, संवादी स्वर है पा। इसमें दोनों मध्यम स्वर में दोनों मध्यम लगेंगे और बाकी सभी स्वर शुद्ध रहेंगे हमारे। वर्जित स्वर इसमें कोई नहीं है, वर्जित नहीं है इसमें। इसका गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर रहेगा। इसकी जाति जो है वो संपूर्ण है। संपूर्ण मीन्स इसके अरोह में भी सातों स्वर और अवरोह में भी सातों स्वर रहेंगे। इसका आरोह है सा रे गा मा पा, फिर नी धा सा, सात आठ तक का हमारा। फिर अवरोह सा नी धा पा, जो हमारा सा नी धा नी है। इस राग में वैसे तो नी शुद्ध लगती है, पर विवादित स्वर के नाते राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम इसमें कोमल नी का भी यूज़ करते हैं, कोमल नी का। तो सा नी धा पा मा पा धापा, मा में मा तीव्र रहेगा। जब भी हम मा पा धापा लिख करेंगे तो हमारा मा तीव्र रहेगा, और गा मा जब हम गा और मा को लेंगे तो मा हमारा शुद्ध रहेगा। मा पा धापा में मा तीव्र और गा मा में मा शुद्ध। तो अवरो सा नी धा पा मा पा धापा गा मा रे सा, ये अवरो रहेगा पकड़। मा पा धापा गामा रेसा, मापा धापा मा तीव्र, गामा रेसा मा शुद्ध रहेगा हमारा। और इसका जो है न्यास के स्वर है सा रे पा, इसमें न्यास के स्वर है। तो अब हमने परिचय किया, परिचय के बाद मैं आपको नोटेशन लिखवाऊंगी। छाया नटराज की हम नोटेशन करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह मात्राएं डालेंगे। सबसे पहले हमने 16 मात्राएं लिख लेनी है। 16 मात्राओं में फिर हमने चार 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 का इंडेक्स बना लेना बेटे, क्योंकि हम इसको तीन ताल में बजाएंगे, और तीन ताल में हम इसको बजाएंगे तो हम इसको तीन ताल में ही लिखेंगे। तो इसमें जो हमारा एक है, तीन ताल आपको पता ही है, बेसिक ताल है हमारी। ये हमारा फर्स्ट ईयर में शुरू में जब हम कॉलेज में आते हैं सबसे पहले हम तीन ताल ही करते हैं, बेसिक ताल हमारी। 16 मात्राओं की ताल होती है, हमारा मात्रा है 16। मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देती हूँ, मात्रा है 16, विभाग चार, चार चार के हिसाब से ताली रहेगी हमारी। पहली मात्रा पर, पांचवी मात्रा पर और तेरहवीं मात्रा पर ताली होती है। नौवीं मात्रा हमारी खाली होती है। जो मात्रा हमारी खाली होती है उसको हम जीरो के चिन्ह से दर्शाते हैं। जो मात्रा हमारी जो हमारी ताली होती है उसको हम क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस जो है हमारा सम, ये सम का होता है हमारा, इससे हमारा सम का पता चलता है क्रॉस से। और पहली मात्रा पर भी हमारी ताली है, पांचवी मात्रा पर भी हमारी ताली है और तेरहवीं मात्रा पर भी हमारी ताली है। ताली का हमें चिन्ह देना है दो और तीन, दो और तीन का हम ताली का चिन्ह देंगे, नौ पे हम खाली का चिन्ह देंगे। अब हम इसको गत को लिखेंगे, छाया नटराज की गत को हम लिखेंगे। नौवीं मात्रा से बेटे ये गत हमारी शुरू होती है, नौवीं मात्रा से हम लिखेंगे सा, फिर सा सा धा पा। जब हमारा सिंगल स्वर रहेगा तब हमारा कोई भी चांद का, जैसे हम ये चांद कैसे निशान डाल देते हैं, जब दो स्वर हो हमारे सा रे या गामा, इस तरह के दो स्वर होंगे तो हमारा चांद का निशान आएगा। अदरवाइज सिंगल स्वर में हमारा कोई चांद का निशान नहीं आएगा। अब सा है सा 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 धा पा, सा सा के नीचे हम चांद का निशान लगा लेंगे क्योंकि ये दो स्वर है हमारे। सा 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 धा पा रे गा गा गामा, ये हमारी हो गई है 16 मात्राएं। नौवीं मात्रा से हमारी ये गत शुरू होती है, सा 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 धा पा रे गा 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 मा, रे गा 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 प।
फिर ये होगा माँ, गा को हम चांद का निशान लगाएंगे। अब बेटे हमने ये स्वर लिखे हैं, ये हमने स्वर लिखे हैं, हम साथ में ही अब बोल भी लिखेंगे। बोल कैसे लिखेंगे, जब हमारा सिंगल है तो हम दा का बोल लिखेंगे दा, डबल है तो दी, हम ऐसे ही सितार से उसको प्ले करेंगे, दा दीर दा रा, दा दीर दा, फिर हो गया हमारा रा, दा दीर दा रा, जैसे हमने लिखा है सा 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 धा पा, दा दीर दा रा, फिर दा दीर, ये हो गया हमारा दा और ये हो गया हमारा रा। ये बेटा हमारा आठ मात्राएं होगी। अब हम आगे की आठ मात्राएं करेंगे, सा 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 धा पा रे गा 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 मा, पहली मात्रा पर आ जाएंगे हम, रे गा गा मा मा पा पा। अब हमारा ये सिंगल है, ये डबलिंग है, तो इनके नीचे हम चांद का निशान लगाएंगे, रे गा गा मा मा पा पा। जब हमारा गा के साथ मा आएगा तो हमारा शुद्ध आएगा। फिर आगे हम करेंगे रे गा गा मा मा पा पा मा गा मा रे सा, ये आ जाएगा हमारा। जब हमारा डबली के स्वर होंगे, दो होंगे हमारे, तब हम उसको चांद के निशान लगाएंगे। अब यहाँ हम बोलेंगे दा दीर दीर दीर, ये हमारा रे गा गा मा मा पा पा दा दीर दीर दीर। अब बेटे दा दा के साथ हमने डैश लगाया है, डैश को हम एस से दर्शाएंगे, एस से दा र दा, एस र दा एस, ये हमारा लिखने का तरीका रहेगा। जब भी हमारा ये आएगा मा डैश गा मा डैश रे सा डैश, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे दा एस रा दा एस रा दा एस दार दार दा, ये होगा हमारा। तो मैं आपको इसको बताऊंगी, दा दीर दा रा दा दीर दा रा दा दीर 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 दा र दा र दा सा 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 धा पा रे गा 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 मा रे गा गा मा मा पा पा मा गा मा रे सा। ये बेटे हमारी फर्स्ट लाइन होती है, स्थाई की हमारी दो लाइनें हैं, दो ही लाइनें हमारी अंतरेखी हैं, स्थाई स्थाई की हमारी फर्स्ट लाइन है। अब स्थाई की हम सेकंड लाइन करेंगे, रे गा गा मा पा, वही आ जाएगा दा दीर दा रा, रे गा गा मा पा धा डैश रे गा गा मा पा धा धा मा मा पा। अब जब धा धा मा मा पा, जब हमारा मा पा धा पा धा पा मा पा इस तरह की स्वर संगति आएगी तो वहाँ हमारा तीव्र मध्यम आएगा। मैंने आपको पहले भी परिचय में बताया बेटे कि जब हमारा मा पा धा पा स्वर संगति आएगी तब हम तीव्र मध्यम का यूज करेंगे, क्योंकि इस राग में हमारे दोनों मध्यम लगते हैं। रे गा गा मा पा धा धा मा मा पा, फिर जो मैंने धा धा मा मा पा यही पैटर्न आएगा, दार दार दा सेम यही पैटर्न आ जाएगा यहाँ पर भी, दा एस रा दा एस रा दा एस, ये हमारा सेम वही पैटर्न हो जाएगा। अब इसकी आठ मात्राएं हुई है, ये नौवीं से लेके 16, फिर हमें इसको कंप्लीट करना है पहली से लेके आठवीं तक भी, फिर वही सेम आ जाएगा हमारा, रे गा गा मा मा पा पा दा दीर दीर दीर
फिर वो सेम यही माँ डैश माँ माँ गा माँ रे फिर सा डैश दा एस रा दा एस रा दा एस बेटे ये हमारी दो लाइनें होती हैं स्थाई की पहली लाइन स्थाई की दूसरी लाइन रे दा दा मा पा दा दा मा मा पा रे गा गा मा मा पा पा मा गा मा रे सा ये हमने दो लाइनें कंप्लीट करी हैं। अब मैं आपको अंतरा बताऊंगी इसका करेंगे। अंतरे की भी हमारी दो ही लाइनें हैं, दो लाइनें स्थाई की हमारी हैं, दो लाइनें हमारी अंतरे की हैं। अब हम सेम ऐसे नौमी मात्रा से यहां पर हम अंतरा लिखेंगे अंतरा ये हमारा मा पा पा धा पा। जब हम मा पा पा धा पा करेंगे बेटे तो वही मैंने आपको पहले बताया तीन मध्य मा पा पा धा पा दा दीर दा रा मा पा पा धा पा धा धा मा मा पा दा एस रा दा एस रा दा एस। मा पा पा धा पा धा धा मा मा पा सा सा को कर बिंदी आएगी क्योंकि सा सप्तक की सा है हमारी डैश सा सा मा पा पा धा पा धा धा मा मा पा सा डैश सा 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 रे रे सा ये हमें सा ये हमारा तारसप्तक का है तो यहाँ सब पे हम ऊपर बिंदी लगाएंगे। तारसप्तक के स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है ये ध्यान रखना है। दा डैश को एस से दर्शाएंगे दा रा दा दिल दा रा जब भी डबलिंग होगी उनके नीचे चांद का निशान ऐसे लगाएंगे। ये हमारी अंतरे की फर्स्ट लाइन है। अब हम अंतरे की सेकंड लाइन करेंगे सा रे रे नी सा सा रे रे नी सा कोई सेम दा दिल दा रा धा धा मा मा पा दा एस रा दा एस रा दा एस सारे रे नी सा धा धा मा मा पा रे गा गा मामा पापा दा दिल 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 दा दिल 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 मा गा मा रे सा दा एस रा दा एस रा दा एस ये हमारी होगी अंतरे की सेकंड लाइन सा रे रे नी सा धा धा मा मा पा रे गा गा मा मा पा पा मा गा मा रे सा। ये बेटे मैंने आपको नोटेशन लिख के दिखाई है स्थाई अंतरा। फिर इसका एक तोड़ा फर्स्ट तोड़ा जो हम मात्राओं में ही लिखेंगे जिसको हम मात्राओं
देखेंगे बेटे, तोड़े को हमने दुगुन में ही लिखना होता है, एकुन में नहीं होता। दुगुन में लिखेंगे उसके नीचे चांद का निशान साथ साथ हमें लगाना है, रेगा फिर गामा, रेगा गामा मापा धापा, रेगा गामा मापा सॉरी पाधा पा और ये हो गया धा पाधा, रेगा गामा मापा पाधा धामा, माप की भी करोगे धामा पाधा, मागा रेसा। ये बेटे हमारी आठ मात्राएं हो गई हैं। देखो रेगा गामा मापा पाधा धामा पाधा मागा रेसा, मा को तीव्र करेंगे हम यहाँ धामा में, मा तीव्र करेंगे फिर गागा तिहाई सी गागा मामा रे, रे के साथ डैश क्योंकि इसको दुगुन बनाना है हमें, गागा मामा रे गागा मामा रे फिर गागा मामा। ये बेटे हमारा सम टू सम है, 16 मात्राओं का तोड़ा है, पहली से शुरू होके 16वीं पर खत्म होगा। रे गा गा मा मा पा पा धा धा मा पा धा मा गा रे सा गा गा मा मा रे गा गा मा मा रे गा गा मा मा। जब हम थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी में तो हमने यही ऐसे ही लिखना है, बट जब हम इसको सितार पे प्ले करेंगे इसके बाद हमारी कैसे लाइन वही आ जाएगी स्थाई की, रे गा गा मा मा पा पा धा धा मा पा धा मा गा रे सा गा गा मा मा रे गा गा मा मा रे गा गा मा मा रे। यहाँ से हमारा सम आता है रे, जो हम स्थाई की लाइन लिखते हैं हमारी फर्स्ट लाइन स्थाई की है उसमें पहली मात्रा पर रे है, तो हमारी वही कंटिन्यू हो जाएगी, रे गा गा मा मा पा पा मा गा मा रे सा। तो अब मैं बेटे आपको सितार पे इसको प्ले करके दिखाऊंगी।